काफी दिन से मुस्कान किसी से छुप रही है, मतलब भागी जा रही है यहाँ से वहाँ, आखिर किससे छुप रही है मुस्कान? कलकत्ता पुलिस से बचते बचाते अपने आप को भागते हुए मुस्कान रौनक जी और परिवार की खोज में है, क्योंकि मुस्कान एक रेफ्यूजी के तौर पर बांग्लादेश से एंटर हुई है 6 साल बाद कलकत्ता में, और यहाँ पे ऑब्वियसली उसको खतरा है, क्योंकि जब वो भागी 6 साल पहले भी पुलिस उसके पीछे थी और आज भी पुलिस उसके पीछे है, तो डेफिनेटली शी इज़ अंडर थ्रेट, और अपने रौनक जी को ढूंढते हुए वो बस बचते बचते भाग रही है कि कहीं तो मिल जाए रौनक जी। ओके, हमने ये भी देखा कि मतलब माता रानी ने आज मुस्कान को बचा ही लिया, मतलब पुलिस ढूंढते ढूंढते कहीं चली गई है, मतलब बच गई है फाइनली मुस्कान पुलिस से। आई थिंक फिलहाल के लिए तो कुछ देर के लिए तो पुलिस से बची गई है, पर हर जगह हर शहर में हर तरह से मुस्कान के पोस्टर्स लग चुके हैं, तो डेफिनेटली खतरा बढ़ता जा रहा है, और रौनक जी तक पहुंचने की जो एक कोशिश है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही है, तो कुछ तो अब रे ऑफ होप की ज़रूरत है, एक मदद की ज़रूरत है, कुछ एक रौनक की ज़रूरत है, एक रोशनी की ज़रूरत है, और वो रोशनी के रूप में मुस्कान की ज़िंदगी में एक रे ऑफ होप आएगा, तो वो क्या करेगा रे ऑफ होप, वो आपको देखना है। छः सालों से सिंदूर नसीब नहीं हुआ है मुस्कान को, तो आज जब माता रानी के दरबार में पहुंची है तब जाके ये मांग में वापस से सिंदूर भरा है मुस्कान ने अपने सिंदूर को याद करते हुए, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर हर कि शी इज़ बैक होम, वो वापस आई है घर और अपने रौनक जी को ढूंढ रही है। डेफिनेटली बहुत सारे आए, पर रौनक और मुस्कान की जो ज़िंदगी है उसमें खुशी वाले पल बहुत कम थे, हमारे स्ट्रगल वाले मोमेंट्स बहुत ज़्यादा है, पर जो भी कुछ खुशी के पल है वो डेफिनेटली याद कर रही थी मुस्कान, और रौनक जी को याद कर रही थी और अपनी मांग कर रही थी।